जामिया मिलिया इस्लामिया के नेहरू गेस्ट हाउस में आसिफ हबीब के पैनल का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर चुनाव प्रचार के लिए एक मीटिंग 24 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का, और मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है सारे वोटरों से, सारे मेंबरों से, कि अच्छे कैंडिडेट को वोट दें, वो ख्वाहा किसी भी पैनल के हों। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमको और मुझको मेरे पैनल को ज़रूर एक नज़र डाल के देखें क्या हम आपके एतमाद के लायक हैं, अगर हैं तो ज़रूर वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट में कुछ एजेंडा ही बता दीजिए। नहीं, एजेंडा तो सारे वो अखलास व मकासिद पे काम किए जाएंगे जिसके लिए कायम हुआ था, जो अभी तक नहीं हुआ है, हमको उसी पर काम करना है, जो इस वक्त की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, उस पर ही काम करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। मेरा नाम आसिफ कमाल है, मैं आसिफ हबीब पैनल से वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हूं। अभी जो यहां महफिल हुई है, यहां आपने नज़रियात, लोगों के व्यूज़ सुने, मैंने भी बड़ी डिटेल में व्यूज़ रखे। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है एक नई टीम चुने, टीम फॉर चेंज चुने, और हमारे इस चेंज के मार्च में हमारे साथ आएँ। शुक्रिया। सर, एजेंडा क्या है आपका? हमारा एजेंडा ये है, एक तो जो ये इंस्टीट्यूट है, इस इमारत को इदारे में बदलने के लिए, उसके साथ साथ हमारे कुछ शॉर्ट टर्म एजेंडे हैं कि जो मेंबर्स की प्रिविलेजेस हैं, मेंबर्स का लाउंज है, मेंबर्स के लिए यहाँ की लाइब्रेरी बड़ी डिसफंक्शनल है, उसको रेस्टोर करना है, जो बाहर के मेंबर्स आते हैं उनके लिए रूम्स की रिजर्वेशन की चीज़ें हैं, डिजिटाइजेशन की बड़ी सख्त ज़रूरत है, यहाँ कोई भी न्यूज़ लेटर आपका, कोई और डॉक्यूमेंट यहाँ आपको नहीं मिलता। फिर हमारे पास एक बड़ा मसला जो है वो ये है कि बिल्डिंग का यहाँ लोगों ने जिक्र किया, लेकिन वो मुझे लगता है थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन हम इसकी ब्रांचेस लखनऊ, कलकत्ता, बॉम्बई और बेंगलोर में खोलने के कोशा हैं, तो इस तरह से लेके है। दूसरा हमारा एक मसला ये भी है कि यह बहुत से स्टूडेंट्स को लेके, जो हम सरकार में किसी को डिप्यूट करेंगे अपने यहाँ से, जो सरकार में नौकरियाँ निकलती हैं, स्कॉलरशिप्स निकलती हैं, उनकी लिस्ट लाए और उसको डिजिटल फॉर्मेट में करके लोगों तक उसको ऐसा ज़राए इबलाग मुरतब करें जिससे वो लोगों तक पहुंच सके। स्कॉलरशिप्स अगर कहीं मिलती हैं वो ला के दें, हम कंसल्टेंट्स को ला के। अच्छा, हमारा फोकस बिल्कुल आईएएस से हटके भी एक चीज़ ये होगी, आईएएस वगैरह हम यहाँ नहीं करा सकते, लेकिन हम उसके लिए आउटसोर्सिंग के लिए दृष्टि है, राव है, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको हम फाइनेंशियली अगर बैकअप कर सकें वहाँ जाने के लिए, तो इस किस्म की कई चीज़ें हैं। आपने मुझसे ऑफ हैंड पूछ लिया, लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें समेटने की कोशिश की। शुक्रिया। और हम तो दोनों से बच के रहना है, क्योंकि अगर सेंटर में सियासत घुस गई तो ये सेंटर भी सियासत की नज़र हो जाएगा। आज जैसी पूरी कौम सियासत की नज़र हो चुकी है, आज हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है, हमारा वोट मांगने वाला कोई नहीं है, हमको लीडर कहने वाला कोई नहीं है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि एक इदारा ऐसा बचा है जो गैर सियासी बना के आप बहुत कुछ कौम मिलत और मुल्क के लिए कर सकते हैं। और हम आपसे बार बार गुजारिश करेंगे के सारे कैंडिडेट जो इस सदारती अहदे के लिए मौजूद हैं, वो तो सब बासराए बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो इसके साथ इंसाफ कर पाएंगे, क्योंकि मुख्तलिफ बैकग्राउंड के हैं, उनका पेशा अलग है और उनके पास वक्त की कमी है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके कोई ख़ास मकसद है यहाँ के सदारती अहदे को लेने के लिए। और जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है, मेरे साथ तकरीबन 40 से 50 लोग पिछले 6 महीने से इस सेक्टर की बेहतरी के लिए लगे हैं, मैं खुद पूरा वक्त देता हूँ, सबके सामने ये वक्त ये चीज़ आया है, और हर शख्स जानता है कि जो टीम लगी है वो सेल्फलेस है, हम किसी लालच के लिए नहीं लगे हैं। आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस इलेक्शन को किसी भी तरह से इस तरह से डील करें कि आगे भी आपको इलेक्शन देखने को मिले, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस इलेक्शन को दोहराने में। अभी जो आपके सामने जो लोग हैं वो सब अच्छे हैं, हम बुरा किसी को नहीं कहना चाहते, लेकिन सेंटर से कितने अच्छे साबित हो सकते हैं इसके बारे में आपको सोचना है, और सिर्फ ये सोचें कि कोई अच्छा वकील है या कोई अच्छा नेता है या कोई एक खास पार्टी से ताल्लुक रखने वाला उसका नेशनल कन्वीनर है या एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, सब व्यक्ति की खुशियात होगी, लेकिन हमको नहीं लगता कि ये सेंटर के लिए बहुत अच्छा फैसला होगा कि इनमें से किसी को भी मौका दे और फिर बाद में आप पछताएं।
छः महीने का जो वक्त हुआ है वो सबके सामने है। मैं खुद अकेले नहीं लड़ रहा था, मेरे साथ तकरीबन 50 लोग हैं और वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ी है। और इस लड़ाई को पहले एसीपीएम में एक मसला हल किया गया, अब इलेक्शन का दूसरा मसला है, इसको किसी भी तरह से सेंटर को बचाने की कोशिश करें और इंशाल्लाह आप ये उम्मीद रखें और हम पर इत्मीनान करें कि हम वो सारे काम करेंगे जिसके लिए सेंटर बनाया गया था। और वो तफसीली बातें आप तक पहुँचाई जा चुकी हैं, मिशन ओविजन डॉक्यूमेंट आप तक पहुँचाया जा चुका है। आपको हम फिर से एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं सनद के तौर पे, अगले एक हफ्ते में पहुंच जाएगा, जिसमें 11 रुकावटी प्रोग्राम है जो टाइम लाइन के साथ होगा, जो आप उसको महफूज करके रख लें ताकि वक्तन फ़क्तन आप जो दिखा के पूछ सके कि इस वक्त क्या किया है जो हम लोग इस वक्त वादा कर रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि वोट देने से पहले, किसी को जिम्मेदारी देने से पहले आप ज़रूर एक बार सोच लें कि इस सेंटर के हक में क्या कुछ करें। और आप सब माशाल्लाह बासलाहियत पढ़े लिखे लोग हैं और दर्द रखते हैं कौम के लिए, कौम के उस असासे के लिए दर्द रखते हैं जो वाकई कौम की काज भर के उभर सकता है। अभी वो एक बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग से इंस्टीट्यूशन नहीं पहचाना जाता है, अपने कारकर्दगी से पहचाना जाता है। अभी तक कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं हुई है जिसे आप नुमाया कर सकें, जो अपने कौम को नुमाया कर सकें। इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम हम सब आपके दुआओं से, आपकी शमूलियत से इंशाल्लाह ताला इसको सुदृढ़ करेंगे और ईमानदारी और नेकनीयती के साथ लगे हैं और लगे रहेंगे। अगर इंशाल्लाह जीत के ज़रूर आएंगे और जीत के आने से वो सारे काम करेंगे जो हम आपको लिख के वादा कर रहे हैं। और किसी वजह से अगर मेम्बरान हजरात नहीं ये जिम्मेदारी देते तो यकीन माने ये एक कोशिश की जो मुहिम है ये किसी और इदारे की देखने के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं कि ये इस इलेक्शन के बाद ये मुहिम खत्म हो जाएगी, क्योंकि कौन के बड़े मसाइल हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन की, हेल्थ की, जॉब की, ट्रेनिंग की, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये तंजीम एक कोशिश जो बनी है अभी पहली बार उसकी बेहतरी की बनी है, आगे किसी और इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के काम करेगी, ये मेरा वादा है। और मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ और उन सब लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस तकलीफ दी बोले। आवाज नहीं है कि आप बहुत अच्छा जो है आपका प्रोग्राम है, यही है आपके साथ है। बस एक एजेंडे में एक शामिल कर लो, जो हमारे आईआईटीसी के 2100 मेंबरों को जो है ना मौका नहीं मिल पाया इस बार, उसको मैं समझ गया। देखिए आज के दिन में सिर्फ वोटर्स को दावत नहीं दी गई थी, आज उन मेंबर्स को भी बुलाया गया है दावत के साथ जो वोटर नहीं है, उनको भी दावा पहुँचाया गया क्योंकि उनका हक का नहीं सिद्ध थे। और कुछ लोग जो मेंबर भी नहीं है वो मेंबरशिप है, तो ये असासा या सेंटर सिर्फ मेंबरों का नहीं है या सिर्फ वोटरों का नहीं है, यकीन माने सारे मेंबर्स को वो सारी सहूलतें मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार है और इस सेंटर से वो जुड़ा अपने को समझे। मैं यकीन दहानी का फिर एक बार कह रहा हूँ कि हर मेंबर की इज्जत है, चाहे वो वोट देने वाला हो या ना देने वाला हो, उससे जो भी खिदमत की है, जिसने मेंबरशिप ली है तो उसका उसको बदला दिया जाएगा, उसको उसकी फैसिलिटी वहाँ दी जाएगी। और इंशाल्लाह जब आपको दिखेगा तरक्की करते हुए सेक्टर, तो आप सब बखूबी और बखुशी आप आगे आएंगे और इस सेक्टर को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इजाज़त चाहता हूँ और इंशाल्लाह ताला फिर जल्दी मुलाकात होगी बेहतरी के साथ और खुशी के साथ। अस्सलामु अलैकुम। शायद कड़वी बातें कहना पड़े, कड़वी नहीं तो कुछ तो जरूर होंगी क्योंकि ये इलेक्शन का मामला है। और मैं यहाँ पे एक बहुत ही ब्रीफ में बर्ड्स आई व्यू जो पैनल्स यहाँ मौजूद कंटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यहाँ सबने हमारे लिए वोट मांगे, लेकिन मैं यहाँ एक ये मुकदमा पेश कर रहा हूँ कि बाकियों को क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले मैं सिराज कुरैशी साहब के पैनल की बात करूंगा। सिराज साहब के यहाँ हमारे पास बहुत से सवाल थे इलेक्शन से पहले, सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि 20 साल की मुसाफत के बाद भी ये इमारत जो है वो इदारा नहीं बन पाई। उसके बाद
एमओए को लेके, बाकी चीज़ों को लेके शाहिद भाई ने बड़ी डिटेल में उस पर बात की, लेकिन पहाड़ तब हमसे टूटा जब उन्होंने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया। और वो कैंडिडेट एक ऐसी संस्था से आता है जो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए एंथमा है, जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके मैनिफेस्टो में, उनके बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में दो किस्म की शहरियत की बात साफ साफ जिक्र है कि अगर यहाँ पे मुसलमान होंगे तो वो दूसरे दर्जे के सिटीजन होंगे। गोलवारकर की किताब 1939 की नेशन डिफाइंड, जो उन्होंने साफ तौर से ये बात की। अब मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, और उसमें यह है कि मुसलमान यहाँ रह सकता है लेकिन उसे सिविल हकूक नहीं मिलेंगे, उसे सिविल राइट्स नहीं मिलेंगे, यानी वो वोट नहीं कर सकता। आज वही कैंडिडेट जिसमें 80% मुसलमान वोटर है उसके सामने वोट मांगने आ रहा है, तो ये एक बात कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स भी है। और इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ की आवाम को शायद इसमें मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं कि वो उसको क्यों कंसिडर करें या क्यों ना कंसिडर करें। चूँकि मैं ये वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हूँ, तो मैं उनके वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के बारे में भी दो चार बातें कहना चाहता हूँ। करीम हफीज साहब वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, उन्होंने हाल में ही इस एक इलेक्शन से एक महीने पहले एक लंबा इंटरव्यू दिया और उसने साफ साफ कहा कि इस इंस्टीट्यूशन के हिसाब किताब में वो 300 करोड़ रुपये का घटना है, अल्लाह जाने वो सही है या गलत है। लेकिन साथ में उन्होंने इस बात से भी बैकअप किया कि वो तकरीबन उसी साइज का एक होटल, 30 कमरों का होटल, एक लाउंज, एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जिसका ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा इस्लामिक सेंटर में है। तो मैं उनकी बात को थोड़ा वजन देता हूँ। दूसरी बात यह कि उन्होंने यहाँ के बारे में किताब भी लिखी, इस वजह से उनका तफसीली तजिया होगा उस चीज़ के बारे में, और उसके एक महीने के अंदर अंदर वो उसी पैनल में। हाँ, उन्होंने इंटरव्यू में एक बात ये नहीं कही कि इसकी जवाबदेही न सिर्फ सिराज कुरैशी साहब की है बल्कि पूरे पैनल की होगी। सितंदरी की देखिए कि एक महीने के अंदर अंदर वो पैनल में शामिल होंगे, तो ये सवाल उनसे पूछने का बनता है। दूसरी बात यह है जो और ज़्यादा खतरनाक है कि उन्होंने एक और इंटरव्यू में कहा कि मैं यहाँ पे आई ड्रीम कि यहाँ पे मैं इस बात का ख्वाब देखता हूँ कि यहाँ थिंक टैंक बने। अब यहाँ जो थिंक टैंक बनेगा वो उसके तार नागपुर से जुड़ेंगे, तो अब आप सोच सकते हैं कि उससे बेहतर है कि वहाँ सेप्टिक टैंक बन जाए वहाँ, मतलब ये उन्होंने लाके उसको करार पे खड़ा किया। आगे इसमें कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अबरार साहब का पैनल है, अबरार साहब इस सेंटर से कम उमेश 20-25 साल से जुड़े रहे, हर पैनल में शामिल रहे, हर चिराग कुरैशी साहब के साया बने रहे। कोई भी जहाँ जो सफेद और सिया का जो हिसाब है उसमें पूरी पूरी तरह से वो उसके हिस्सेदार हैं। और SGPM के बाद शायद मुझे अंदाज़ा हो गया कि टाइम इज़ अप फॉर हिम, ही हैज़ टू गो। लेकिन और उसको देखते हुए उन्होंने अपने लिए एक ऑनरेबल एग्जिट रूल भी देखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों को बताया और जिम्मेदारी अपने सर ली, एंड दैट क्वेश्चन आप बड़ी बहादुरी से उन्होंने ये काम किया। लेकिन 10 दिन के अंदर, और ये भी कहा कि इंतखाब नहीं लड़ेंगे, 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने स्टेट दिया इनकम्प्लीट था, उसका इनकम्प्लीट था, वो आज भी इनकम्प्लीट है, और वो मैदान में फिर से उतर आए। और पेड़ की तलाश की इससे बेहतर मिसाल कहीं नहीं मिली। एक वक्त में एक बात कह रहे हैं, दूसरे वक्त में तो उसके ही सामने, और वोटर को क्या समझ रहे हैं अल्लाह जाने। तो हृदय उनको वोटर होगा कि जैसा चाहे चला दे और जो कहे वो चल जाए। दूसरी बात यह कि वो इनकम टैक्स से ऊँचे अहदे से फारिग हुए, सेटलमेंट कमीशन के चेयरमैन। आज फैसल ने बड़ी डिटेल में यहाँ के हिसाब किताब का स्टडी किया है, और शायद वक्त की कमी की वजह से शेयर नहीं कर पाए। इनकम टैक्स के पास IICC के कोई 30 से 35 और 35 लाख रुपए के करीब रिफंड में पड़े हुए पिछले 6 साल से, उनके दफ्तर में होने का, उनके ऊँचे अहदे ऊँचे होने का, जो बार बार जो लोग कहते हैं कि IAS हैं, IRS हैं, IPS हैं, क्या फ़ायदा हुआ कि एक दमरी एक पैसा वो वापस ला के नहीं निकाल पाए। तीसरी बात यह है कि वो शायद मेंबरशिप कमेटी के चेयरमैन थे, और उस मार्फत से उन्होंने, ये उनका दावा है कि 400, 500, 600 के करीब मेंबर उन्होंने उसमें बनाए। हालांकि मेंबर बनाने वाले वो कोई नहीं होते, उसका कोई नॉर्म होता होगा, कोई क्राइटेरिया होता होगा, उसके तहत में आके लोग मेंबर बनते होंगे। लेकिन ये उन्होंने एक ज़ाती एहसान के तौर पर उनसे वोट डाला
कि भाई तुम्हारी अलायंस तुम्हारी एलिजेंस हमारे साथ होनी चाहिए क्योंकि मेंबर हमने तुम्हें बनाया। तो मेंबर की काबिलियत, मेंबर की तालीम, मेंबर का उठना बैठना, मेंबर का प्रोफेशन, ये कोई मानी नहीं है, इसे जस्ट दी पर्सनल रिलेशनशिप। और बहुत से मेम्बरों ने उससे कहा साहब हम क्या करें, वो तरीका आदमी है, रूबी है, वो है, और उन्होंने हमें मेम्बर बनाया। लेकिन देख मेरे एक साइकोलॉजी की तरफ में इम्पोस्टर सिंड्रोम, यानी आपको ये अंदाज़ा होता है कि आप जिस अहदे पे या जिस जगह पे पहुँचे हो आप इधर निकल, और वो इसी में किसी तरह से ये इम्पोस्टर सिंड्रोम उन मेम्बर पर ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। उनका भी थी कैंडिडेट इस जनवरी तक DOT का IICC का ट्रेजर थे, और उन्होंने अभी ट्रांसपेरेंसी की बात, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में हम ट्रांसपेरेंसी लगाएंगे। पहली बात तो ये जो 5 साल से आपने तो क्या ऊपर ट्रांसपेरेंसी नहीं, एक सीधा सा सवाल ये। दूसरी बात ये है कि मुझे बताया कि मैं फिगर ना बताऊँ, लेकिन मेरे पास कुछ फिगर्स थे और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। यानी कुरैशी साहब यहाँ बैठे हैं जिन्होंने हम सबसे ज़्यादा बैलेंस शीट्स को पढ़ा है और बताया है, मैं बहुत मुख्तसर में बताऊँगा कि कम से कम 245% का खर्चों में इजाफा हुआ। ये 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट है, ऑडिटेड बैलेंस शीट, जिसमें कंसर्न प्रोग्राम में 260% का, मीटिंग और फंक्शन में 270% का, ऑफिस एक्सपेंसिस में 280% का, फैसिलिटीज में 250% का, और लीगल एक्सपेंसिस में 350% का इजाफा हुआ। और ये कोई इफराते दर नहीं है जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ये मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड। अब क्या आप उनको वापस भेजेंगे वहाँ पर ताकि वो फिर हमारे पैसों के साथ देंगे? और इसमें 24 की बैलेंस शीट शामिल नहीं है, आई कैन एश्योर यू उसके फिगर इससे कहीं ज़्यादा बदतर है, क्योंकि लीगल एक्सपेंसेस, ऑब्जर्वर साहब के एक्सपेंसेस, यहाँ पे इलेक्शन कराने आए हैं उनके एक्सपेंसेस जब जुड़ जाएंगे तो ये रकम पता नहीं कितने से ज़्यादा तजावज कर जाएंगे। सलमान खुर्शीद साहब जो अच्छे कंट्रोल से पैनल को हेड कर रहे हैं, बड़े लीडर हैं, उनके बारे में राजा साहब ने भी जिक्र किया, बाकी लोगों ने भी जिक्र किया। हमें ये देखना है कि उनका कितना अटैचमेंट है सेंटर के साथ। 2009 के बाद, 2009 से पहले के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 2009 के बाद शायद ही कोई ऐसी मूव जिसमें उन्होंने शिरकत की। और जब 30 अप्रैल को हमारी SDBM जो कि बहुत ही क्रिटिकल थी, जिसमें हर वोट काउंट कर रहा था, तो उसमें भी एब्सेंट रहे, तो वॉट इज हिज अटैचमेंट टू दी सेंटर, आई डोंट अंडरस्टैंड। आप लोग क्यों इस बात को दे रहे हैं कि वो इसमें साथ है? और छोटी छोटी बातें जो बड़ी बात बता देती है, हाथ में उन्होंने खत लिखा जो तकरीबन मुझे लगता है उसका के हर वोटर को गया है, और जिसके लेटर हेड पे उन्होंने लिखा एक्स फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये छुपा दिया कि वो एक्स माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर भी है, या तो इसमें कोई एहसास कमजोरी है, या ये है महकमा नहीं है, या जो ज़्यादा प्रॉब्लम रीज़न ये है कि लोगों को पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, उनको शायद वो ये बताना नहीं चाहते थे, उनकी यादाश्त जगाना नहीं चाहते थे कि माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर होकर उन्होंने क्या किया, तो उसको छुपाने के लिए उन्होंने उसे निकाल दिया, तो उसका कोई मेंशन नहीं किया। वो बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर रहे, वो मिनिस्टर इन वेटिंग रहे, वो मिनिस्टर इन वेटिंग पर बराक ओबामा रहे, और 2-3 लोगों के मिनिस्टर वेटिंग वो होता है जो बाहर की डिग्री सरकारें के साथ अगर कोई इशू आ जाए तो उसमें लिंक होता है। और हमारे साथ में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मुझे लगता है इन खूबियों के साथ वो IIC के लिए, इंडिया इंटरनेशनल के लिए ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है। IIC के उम्र का मामला जो है वो कितना क्रिटिकल है सब जानते हैं, लेकिन 2 मिनट में वो खत्म करें, क्या आप 3 साल के लिए कैंडिडेट चुनना चाहेंगे? कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया, सिवाय इसके कि साहब 3 साल में वो कर देंगे, लोगों ने 5 साल में नहीं कर पाए, 5 साल या 20 साल में दबाई कर दी, क्या 3 साल में वो हो जाएगा? इसलिए मामला ये है कि ना हम हाफ पैंट वाले को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना हम हाफ टर्न वाले को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये सोच के बताना पड़ेगा हमें कि भाई को उनका MP होना या XMP होना इज रियली नॉट रेलेवेंट टू आस्क। दूसरा वो बिजी आदमी है,
कितना वक्त दे पाएंगे, किस तरह मिल पाएंगे, कैसे आएंगे मुझे नहीं। या उनके बीपी खान साहब 10 साल से सच सुराज साहब के पैनल पर मौजूद हैं और आखिर में जब उनको वहाँ जगह नहीं मिली या उनको सिर्फ कुत्ता हुआ नजर आया, 10 साल में एक बार भी हमने उनसे कोई डिसेंट की आवाज़ नहीं सुनी, डिसेंट किया होती थी क्योंकि वहाँ भेड़बकियाँ तो नहीं थी ना, इलेक्ट होकर तुम नंबर गए हो भाई तो उसको बोलोगे। 20 साल से वो अपना भाई के वहीं पैसा रखो रुका हुआ है और वो स्टूडेंट लीडर रहे हैं, कामयाब स्टूडेंट लीडर रहे हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेड था। इसलिए मुझे लगता है कि ये भी आपको कंसिडर कीजिए कि इस पैनल से उस पैनल से छोड़ेंगे, पर्सनैलिटी तो वही है और आखिर में आप अब्दुल रहमान उल्ला साहब उनका इंटरेस्ट होते हैं वो शायद इनसे भी कम है, वो तो शायद एक बार भी नहीं आए। वो सिवाय नॉमिनेशन भरने के 14 तारीख को वो बेंगलोर से चले, यहाँ नया सराहिया की जा रही थी कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन 14-15 की सुबह आए उन्होंने, उनकी टीम पूरी नहीं थी, 4-5-6 लोगों के साथ उन्होंने पर्चा नामजदगी दायर किया, वो किसी एजिट में नहीं आए, कहीं नहीं आए। उनका भी क्लेम टू दिस सीट इज ओनली बिकॉज ही इज एन एक्साइज। आई रियली डोंट नो हियर आर पीपल यू हैव सीन आवर पैनल, आपने देखा इंजीनियर, 3 डॉक्टरेट, 2 इंजीनियर, 2 लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सब सेंटर से सब पहली बार आ रहे हैं। शराफत साहब का एक्सपीरियंस भी चाहिए था हमारे साथ, आप फ्रेश टीम को, फ्रेश फेसिस को, नए खून को क्यों नहीं मौका देंगे? ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चेंज मार्च और चेंज में हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया।